सही है। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम न्यू फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिलीज को नाइट शेड फैमिली भी कहते हैं, नाइट शेड एंड पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि आलू जो है वो इस फैमिली का है। नाइट इस वजह से, ब्लैक नाइट इस नाइट इस वजह से कहते हैं कि इनके फ्लावर्स जो हैं रात के टाइम पे खिलते हैं, दिन के टाइम पे नहीं खिलते हैं, जिसकी वजह से इनको नाइट शेड। और शेड इस वजह से कहते हैं कि ये शेडी प्लेसेस पे होते हैं इनके प्लांट्स, तो इनके प्लांट्स बड़े जो दरख्त होते हैं उनके शेड पे मोस्टली जो हैं जर्मिनेट होते हैं, इनके ग्रो करते हैं, तो नाइट शेड इस वजह से कहते हैं। फ्लावर्स इनके रात के टाइम खुलते हैं और ये शेडी प्लेसेस पे होते हैं प्लांट्स। और पोटैटो इसके अंदर कॉमन है, इस फैमिली का प्लांट जो पूरी वर्ल्ड में पाया जाता है। तो सोलेनेसी फैमिलीज के अंदर जो प्लांट्स रखे गए उनके अगर हम करेक्टर्स देखें तो फर्स्ट में वेजिटेटिव करेक्टर्स आएंगे। वेजिटेटिव करेक्टर्स, वेजिटेटिव करेक्टर्स वो करेक्टर्स हैं जिनके थ्रू ये अपनी न्यूट्रेटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन भी रखते हैं। तो वेजिटेटिव करेक्टर्स में फर्स्ट करेक्टर आएगा रूट। रूट इनके अंदर मोस्टली टेप होती है। टेप रूट वो रूट है जो रेडिकल ऑफ सीड से निकलती है और ग्रो करती है टूवर्ड्स सोइल, और ये ब्रांचड भी होती है। ब्रांचड मीन्स इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट मौजूद होते हैं। तो मोस्टली इनके अंदर जो रूट होती है टेप रूट होती है, क्योंकि सीडी प्लांट्स हैं, ब्रांचड होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसके बाद स्टेम को अगर हम देखें, इनकी स्टेम जो होती है इनकी वो शर्ब टाइप होती है। शर्ब टाइप मीन्स इनकी लेंथ बिल्कुल छोटी होती है। और कुछ हर्ब फार्मी भी प्लांट्स पाए जाते हैं, इनके हर्ब में मीन्स 2-3 फुट तक इनकी लेंथ होती है। तो मोस्टली हर्बाशियस होती है और शर्ब में भी होती है। शर्ब प्लांट वो प्लांट है जिनकी स्टेम की लेंथ 4-5 फुट तक होती है। हर्ब मीन्स स्मॉल, 1 इंच के अंदर अंदर स्टेम है, तो वो हर्बाशियस स्टेम कहलाती है। तो हर्ब एंड शर्ब फार्म में ये प्लांट पाए जाते हैं। स्टेम इनके अंदर वीक होती है, इरेक्ट होती है लेकिन वीक होती है, उनको हम हाथ से तोड़ सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट होती है, वीक भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, हार्ड नहीं होती, हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है। इसको अगर हम हाथ से तोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल कैप्सिकम एनम है, मिर्च है, मिर्च का पौधा आपने देखा होगा हाथ से तोड़ेंगे टूट जाएगा। तो सॉफ्ट होती है, वीक होती है स्टेम इनकी। और ब्रांचिंग सिस्टम इनके अंदर भी मोनोकाटोमस होता है। मोनोकाटोमस मीन्स सिंगल ब्रांच से सिंगल नोड से सिंगल ब्रांच निकलती है, मोनोकाटोमस ब्रांच होती है। थर्ड करेक्टर है लीफ। लीफ इनके अंदर सिंपल होते हैं, मोस्टली सिंपल लीफ होते हैं, और ये लीफ पिट्योलेट भी होते हैं और ये लीफ सबसीसाइल भी होते हैं। पिट्योलेट मीन्स बड़ा पिट्योल होता है, जैसे पिट्योनाल्बा है, सतगुला है, उसका लीफ देखेंगे तो उसमें बड़ा पिट्योल होता है। अगर कैप्सिकम एनम है, मिर्च का आप देखेंगे लीफ, तो उसमें छोटा होता है। तो दोनों टाइप के सिंपल लीफ इसको आप इसमें मिल पाए जाते हैं, पिट्योलेट भी और सबसीसाइल भी। धतूरा अल्बा, धतूरे का पौधा आप देखो तो उसके अंदर भी बड़ा पिट्योल होता है लीफ के अंदर। तो सिंपल लीफ होते हैं, पिट्योलेट भी होते हैं, पिट्योलेट लीफ भी होते हैं, और इनके अंदर जो है सबसीसाइल, कैप्सिकम एनम मिर्च जो है उसमें सबसीसाइल लीफ होता है। सबसीसाइल भी होते हैं, पिट्योलेट भी होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं रेयरली जिनमें कंपाउंड लीफ भी होते हैं। कंपाउंड कम मकदार में मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर इनके अंदर सिंपल लीफ होते हैं, पिट्योलेट भी होते हैं और सबसीसाइल भी होते हैं।
तो ये वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं जो इन प्लांट्स के अंदर कॉमन होते हैं। उसके बाद है फ्लोरल करेक्टर्स। फ्लोरल करेक्टर्स, फ्लोरल करेक्टर्स, फ्लावर को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, उनके पार्ट्स का भी हमें पता है। फ्लोरल करेक्टर्स मीन इनके अंदर जो फ्लावर होता है वो मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक वो फ्लावर है जिसमें रेडियली सिमेट्रिकल होती है, सेंटर से अगर हम हर डायरेक्शन में उसको काटेंगे तो इक्वल हाफ में वो डिवाइड होता है। रेडियली सिमेट्रिकल हैं इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं तो इनको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। उसके बाद इनके अंदर मोस्टली बायसेक्चुअल फ्लावर होते हैं, मेल एंड फीमेल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये बायसेक्चुअल फ्लावर होते हैं। और इनके अंदर जो इन्फ्लोरेंस होती है, इन्फ्लोरेंस में क्या होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स अराइजेस अपॉन द एक्सल ऑफ स्टेम और ब्रांच, दैट इज़ नोन एज इन्फ्लोरेंस। तो इन्फ्लोरेंस जो इनके अंदर होती है सॉलिटरी भी होती है। सॉलिटरी में क्या होता है कि सिंगल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है एक्सल पे तो वो सॉलिटरी है, और दूसरी इसके अंदर एक्सिलरी साइमोज होती है। साइमोज ऐसा टाइप है इन्फ्लोरेंस का जिसमें एक्सल के टिप पे बंच ऑफ फ्लावर्स जो है डेवलप होते हैं, उसको साइमोज कहते हैं। इनके अंदर एक्सिलरी टाइप होती है साइमोज की। एक्सिलरी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, स्टेम के नोड से ये लीफ निकल रहा है और लीफ के बिल्कुल बेस पे ये एक्सल होता है, इस एक्सल से फ्लावर्स की प्रोडक्शन हो रही है बंच की सूरत में, तो ये एक्सिलरी साइमोज कहलाती है। तो बिल्कुल लीफ के जहाँ नोड से लीफ निकल रहा है उस लीफ के बेस से फ्लोरल बड प्रोड्यूस होता है, उससे फ्लावर्स निकलते हैं बंच में, तो इसको एक्सिलरी साइमोज कहते हैं। तो इनके अंदर जो इन्फ्लोरेंस होती है वो सॉलिटरी भी होती है और एक्सिलरी भी होती है। उसके बाद पेडिसेल के बाद जो थैलेमस के फ्लोरल वर्ल्स हैं वो इनके अंदर मोस्टली पेंटामेरस होते हैं, 5-5 होते हैं, सेपल्स भी 5 हैं, पेटल्स भी 5 हैं, एंड्रोशियम भी 5 होते हैं, और कैलेक्स 5 जो होते हैं ये फ्यूज्ड विथ ईच अदर होते हैं, मींस ये फ्यूज्ड हैं, तो उसको कहते हैं हाइपोसेपल्स टाइप है। उसके बाद क्रोला जो हैं, उनको पेटल्स भी कहते हैं, ये भी 5 होते हैं और ये भी फ्यूज्ड होते हैं, चिदर फ्यूज्ड होते हैं, तो फ्यूज्ड होते हैं तो इसको हाइपो पेटल्स कहते हैं। उसके बाद इनके अंदर एंड्रोशियम जो होते हैं वो भी 5 होते हैं, एंड्रोशियम 5 होते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं पेटल्स के साथ, इपी पेटल्स कहलाते हैं, तो ये भी फ्यूज्ड होते हैं, तो ऊपर से ये लकीर इंक्रीज कर रही है, तो एंड्रोशियम जो है फ्यूज्ड विथ पेटल्स मींस क्रोला। उसके बाद ओवरी इसके अंदर जो होती है गाइनोशियम, ये बायनोक्यूलर प्लांट्स हैं, दो ओवरीज होती हैं लेकिन ये ओवरी सिनकार्प होती है। सिनकार्प में क्या होता है, ओवरी फ्यूज्ड विथ ईच अदर, लगती एक जैसी है लेकिन होती दो हैं, दोनों फ्यूज्ड होती हैं तो वो सिनकार्पस कहलाती हैं। तो सिनकार्पस जो हैं ओवरी होती है इनके अंदर, मीन्स मोस्टली दो ओवरीज होती हैं इनके अंदर G2, और ये भी फ्यूज्ड होती हैं तो इसको सिनकार्पस कहते हैं। उसके बाद ओवरी सुपीरियर होती है, मीन्स टिप पे होती है, सुपीरियर होती है तो इसको हाइपोगाइनस कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर है इसका, मीन्स सुपीरियर है। उसके बाद इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन है, मीन्स ओव्यूल्स की जो फॉर्मेशन है, ओवरी के अंदर जो एक्सिल है उस पे मल्टीपल ओव्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन कहलाती है, मीन्स सेंटर जो है उसके, रेड चिली है मिर्च को आप काटेंगे तो बंच ऑफ फ्लावर्स
जो बंच ऑफ सीड्स निकलेंगे अंदर से, तो ये बंच ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन दिस पार्टीशन पोर्शन ऑफ ओवरीज दैट इज नोन एज एग्जाइल प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन इसके अंदर एग्जाइल होती है, बंच की सूरत में ये ओवरी के अंदर प्रोडक्शन होती है। तो फ्लावर इनका फ्लोरल फार्मूला देखकर हम करेक्टर्स भी बता सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, बायसेक्चुअल है और सेपस। और इसके अंदर क्या होता है कि मेन ये होता है कि जब फ्रूट इसका बन जाता है कम्प्लीटली, प्लांट से सेपरेट होता है, तब तक सेपस जो हैं वो मौजूद होते हैं फ्रूट के साथ। टमाटो, टमाटो आपने देखा होगा, फ्रूट है, सब्जी है, हमारे एरिया में कॉमन है। टमाटा हम लेते हैं, जब तोड़ते हैं तो वो सेपस भी मौजूद होते हैं उसके अंदर। रेड चिली मिर्च है तो उसके अंदर भी सेपस मौजूद होते हैं, हम काट के आते हैं। तो सेपस सेपरेट नहीं होते हैं, वो फॉर एवर रहते हैं इनके अंदर। तो पेंटामेरस फ्लावर है इनका, मीन्स 5-5 जो हैं, सेपस भी 5 मिलेंगे आपको, पेटल्स की भी 5 मिलेंगे, एंडोशियम भी 5 मिलेंगे। ओवरी 2 होती हैं लेकिन दोनों फ्यूज्ड हैं विथ ईच अदर, उनका पता नहीं चलेगा, तो साइनोकार्पस कहते हैं। और ये बायकार्पेलरी है, मीन्स 2 ओवरीज हैं, ओवरी सुपीरियर है तो ये हाइपोगाइनस कहलाता है। तो ये मेन करेक्टर्स हैं फाइलम सोलेनेसी के अंदर। और सोलेनेसी के अंदर जो मेन प्लांट्स रखे गए हैं आपके बुक के अंदर, 10 प्लांट्स ये दिए गए हैं। फर्स्ट से सोलेनम ट्यूबरसोलम पोटेटो, आलू आपने देखा होगा, वो भी इस फैमिली का प्लांट है। लेकिन इनकी स्टेम जो होती है वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में शुमार होती है, मीन्स आलू ज़मीन के अंदर स्टेम उनकी मॉडिफाई हो जाती है स्टेम ट्यूबर के अंदर, और उसी ट्यूबर के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो मॉडिफिकेशन हो जाती है, आलू बन जाता है, स्लिप पार्ट होता है। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेम ट्यूबर होती है, ट्यूबर लाइक स्टेम होती है पोटैटो के अंदर। उसके बाद सोलेनम मेलांगिना है, मीन्स ब्रिंजाइल, बैंगन आपने देखा होगा हमारे एरिया में कॉमन है। और उसके बाद कैप्सिकम एनम है, वो रेड चिली, लाल मिर्चे, लेकोपेस्किम इस्क्यूलेटम, टोमेटो है, टमाटर भी हमारे एरिया में कॉमन है। पिटोनाल्बा सतगुला इसको कहते हैं, और ये भी हमारे एरिया में कॉमन है। और ये सोलेनम नाइग्रम, ब्लैक नाइट शेड कहते हैं, ये भी हमारे एरिया में कॉमन होता है, गंदम के साथ आपको मिलेगा और शेडी प्लेसेस में मोस्टली ये होता है। इसका जो फ्रूट होता है ये बंच की सूरत में होता है। और उसके बाद धातुरा अल्बा है जिसको थॉर्न एप्पल कहते हैं, ये भी हमारे एरिया में कॉमन मिलेगा आपको। निकोटिना टोबेकम, टोबेको तंबाकू जिस प्लांट से मिलता है वो भी इसी फैमिली का है। उसके बाद एलोप्टा बेलिनम जो है डेडली नाइट शेड है, और लेडी ऑफ द नाइट जिसको क्रिस्टम नेगटम कहते हैं, लेडी ऑफ द नाइट। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं वो इस फैमिली के अंदर रखे गए हैं। इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये फूड के सोर्स पे इसमें वेजिटेबल ज़्यादा हमें मिलती हैं, जिस तरह पोटैटो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली सब्ज़ी जो वर्ल्ड लेवल पे है वो पोटैटो है, हर जगह पे आपको मिलेगा। टमाटर हैं, ब्रिंजाइल हैं, रेड चिली, रेड चिली इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मसाले के तौर पे यूज़ होती है, स्पाइसेस कहते हैं उसको। तो वेजी फूड के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं इनको, मसाले के तौर पे भी इनके प्लांट्स हम यूज़ करते हैं। टोबेको तंबाकू के लिए जो सिगरेट्स वगैरह गुटखा काफ़ी चीज़ें बन रही हैं वो भी इस फैमिली के प्लांट से बन रही हैं। मेडिसिन में भी कुछ प्लांट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे धातुरा अल्बा है और पिटोना अल्बा है। पिटोना अल्बा का मशहूर है हमारे एरिया में कॉमन है, किसी को इंजरी होती है, ज़ख्म हो जाता है, वो अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा तो इसका जो पत्ता है वो चिपकाते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए, सतगुला जिसको कहते हैं, पिटोनाल्बा, वो भी इसी फैमिली का प्लांट। इन के अंदर जो प्लांट्स हैं मोस्टली छोटे होते हैं, ट्री कोई नहीं होता इनके अंदर, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब टाइप होते हैं और
शर्प टाइप होते हैं, और मोस्टली इनके अंदर एन्यूअल एंड बायनुअल प्लांट होते हैं। एन्यूअल प्लांट वो प्लांट हैं जो 6 मंथ में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, बायनुअल वो प्लांट्स हैं जो 12 मंथ में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा पेरेंटल प्लांट्स इसके अंदर नहीं होते हैं। तो आज हमने सोलेनेसी फैमिली और उनके करेक्टर्स और उनके प्लांट्स पढ़ेंगे पढ़े कल कंटिन्यू रखें।